अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगी। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर इंशाउर रहमान और आप देख रहे हैं डी आर इंशा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो माल्टोफर सिरप के बारे में है कि इसके तरीका इस्तेमाल क्या है और किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को क्लिक करें। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये माल्टोफर सिरप की कंपोजिशन के बारे में पहले जानेंगे। तो ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड और पूरी माल्टोस से बनी हुई है और इसमें स्विस आयरन ऐड कर दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी आयरन है, यानी दुनिया में तकरीबन बहुत सी आयरन पाए जाते हैं लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो स्विस आयरन की होती है और इस दवाई में स्विस आयरन को ऐड कर दिया गया है। और स्विस आयरन की ये खासियत होती है कि ये जिस्म में बहुत जल्दी और आसानी से जज़ब हो जाता है, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो जाती है। ये बच्चों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। अब आते हैं इसके फवायद पर। तो जिन लोगों की जिस्म में आयरन डिफिशेंसी हो, यानी खून की कमी हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, तो वो लोग ये इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत अच्छी सिरप है। इसके अलावा ये हामिला हवातीन के लिए और दूध पिलाने वाली माँ के लिए और बुज़ुर्ग हजरात के लिए भी बहुत बेस्ट है, यानी जिन लोगों को आयरन डिफिशेंसी हो खासतौर पर वो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कभी कभार आपके फाव सुन हो जाते हैं, आपके चेहरे का रंगत पीला पड़ जाता है, तो ये आयरन की डिफिशेंसी की वजह से होता है, यानी खून की कमी की वजह से होता है, तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में थकावट वगैरह हो तो आप फिर भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिस्म में जितनी भी आयरन डिफिशेंसी हो तो इसके लिए ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नुकसानात पर। तो इसके नुकसानात तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी मल्टीविटामिन और जिस तरह का सिरप वगैरह हो या टेबलेट वगैरह हो तो इसकी वजह से आपके पाहाने का कलर ब्लैक हो जाता है, यानी काला हो जाता है, और उसकी ओवर यूज़ से यानी आपके पेट में दर्द हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है, और जिन लोगों को एलर्जी वगैरह हो तो उन लोगों को जिस्म पर दाने खारिश वगैरह भी आ सकते हैं। अब आते हैं इसके तरीके इस्तेमाल पर। तो एक साल की बच्ची के लिए आपने दिन में आधा चम्मच या एक चम्मच देना है और 1 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच आपने देना है दिन में, और 12 साल से ऊपर बच्चों के लिए दिन में 2 दफ़ा 2 चम्मच ले सकते हैं। जो हामिला हवातीन होने प्रेग्नेंट औरत हो तो इसके लिए दिन में 3 मरतबा आप दे सकते हैं 2 से 3 चम्मच, और ये खाने के दौरान भी आप ले सकते हैं और खाने के बाद भी, लेकिन पानी के साथ आपने ये लेना है। शुक्रिया दोस्त।